हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने एक नोटिफिकेशन और जारी किया है और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने बताया है कि किस तरीके से आपको कहां से और किस तरीके से आपको आपके क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है, देन उसको अपलोड करना है। चाहे आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं या फिर आप रेगुलर के स्टूडेंट हैं या NCVIP के या फिर सोल के, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसके साथ साथ हम कुछ और बातें भी करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले बच्चों के साथ बहुत अच्छा हुआ, उनको प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन वहीं थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। वो किस लिए हैं? बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास नए तो फ़ोन है, लैपटॉप भी नहीं है, और उनको सही तरीके से लॉग इन करना, रजिस्टर करना या फिर सही तरीके से अपना रिजल्ट तक भी देखना नहीं आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि डेली से बिलोंग नहीं करते, क्योंकि अलग अलग जगह से आपके जो है बच्चे वो एडमिशन लेते हैं सोल दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ठीक है। मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए कि मैं उनको जो आपके बुक हैं उनके PDF उनको मैं प्रोवाइड कर दूँ, क्योंकि बच्चे लॉकडाउन की वजह से बुक्स वगैरह परचेस नहीं कर पाए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि बच्चे की प्रिपरेशन तो हो ही नहीं सकती जब उसके पास बुक्स ही नहीं है। और ये हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि फ़ोन से हम कितनी स्टडी कर पाते हैं, फ़ोन में अगर PDF होता है तो कितने अच्छे से हमारी स्टडी हो पाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है कि कुल मिला के बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन ये लोग तो अपनी नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं और एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। अब देखिए, आज जो है 4 जुलाई को मैं लेट नाइट यहाँ पर ये वीडियो बना रही हूँ। कल जो है आपको जो आपके मॉक टेस्ट हैं वो यहाँ पर कराए जाएंगे, और मॉक टेस्ट जो है फ्रेंड्स वो आपको इस तरीके से इसलिए कराए जा रहे हैं ताकि वो देख सकें कि आपके जो हैं सब बच्चों के वो एग्ज़ाम्स ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, ये देखने के लिए आपके ये मॉक टेस्ट कराए जा रहे हैं। कंपलसरी नहीं है कि आपको मॉक टेस्ट देना ही है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगी सब जाके मॉक टेस्ट दीजिए ताकि थोड़ा यह भी पता चल जाए कि किस तरीके से आपकी जो इनकी साइट है वो क्रैश हो जाती है, क्योंकि इतने सारे बच्चे जो अगर असाइनमेंट के साथ अपलोड डाउनलोड करने लगे थे तब भी इनकी साइट क्रैश हो गई थी। तो बाकी आप समझदार हैं। तो देखिए, यहाँ पर आप लोग कोशिश करें कि सब लोग अटेंड करें, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इन लोगों ने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ठीक है। डाउनलोडिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग ऑफ स्कैन इमेज ऑफ आंसर शीट फॉर द ओपन बुक एग्जामिनेशन। यहाँ पर वही जो आप पोस्ट ग्रेजुएट या अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं, देखिए यहाँ पर हमें बताया गया है कि आपके जो एग्ज़ाम है, जैसे कि डेट शीट आ चुकी है, मैं बता चुकी हूँ, डेट शीट की वीडियो बना दी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। डेट शीट यानी कि 10 जुलाई से इन्होंने कहा है कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी पक्का नहीं है, ये आपके मॉक टेस्ट के बाद में पता चलेगा कि इनकी डेट शीट बदलती है या फिर क्या होता है। तो मॉक टेस्ट आई थिंक आपको देनी चाहिए, ठीक है। चलिए, पहला वाला जो यहाँ पर दिया है, लिंक दिया हुआ है इन लोगों ने, उसमें क्या बोल रखा है, द स्टूडेंट ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज ऑफ रेगुलर कॉलेजेस डिपार्टमेंट एंड नॉन कॉलेज वुमेन एजुकेशन डिपार्टमेंट सॉरी बोर्ड, ठीक है, यानी कि NCVIP शैल यूज द पोर्टल एज स्पेसिफाइड बिलो फॉर डाउनलोडिंग द क्वेश्चन पेपर एंड अपलोडिंग द स्कैन इमेज। मतलब जो बच्चे रेगुलर के या NCVIP के हैं उनके लिए जो आपका लिंक दिया हुआ है वो है ये वाला, जो सबसे पहला वाला है http://ove.du.ac.in, ठीक है। आप इस पर यहाँ पर इस पर इसको आप नोट कर लें, या फिर आप जाके इसका जो ये आपका जो पेज है, जो आपका नोटिफिकेशन है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप जैसे ही इस लिंक पर क्लिक करेंगे वैसे ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दूसरे वाले में दे रखा है, द स्टूडेंट ऑफ ऑल अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब आप अगर सोल के अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं तो आपके भी जो एग्ज़ाम है वो होंगे इस वाले दूसरे वाले लिंक पे, और ये लिंक आपका दिया हुआ है http://solobe.du.ac.in पर, ठीक है। ये आपका ऊपर वाला रेगुलर वालों के लिए और NCVIP वालों के लिए था, ये आपके सोल वाले बच्चों के लिए हैं। अब क्या होता है, थर्ड वाला जो लिंक दिया हुआ है उसमें क्या दे रखा है, द स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज रेगुलर सोल एंड NCVIP हु फॉर एनी रीजन फेल टू अपलोड द आंसर शीट ऑन द एबव पोर्टल कैन सेंड द स्कैन इमेज ऑफ आंसर शीट इन PDF फॉर्मेट थ्रू ईमेल एट, यहाँ पर आपका दे रखा है obescript@exam.du.ac.in। मतलब इन्होंने कहा है कि आप अगर रेगुलर के हैं, सोल के स्टूडेंट हैं या फिर NCVIP के हैं, अगर ये दो ऊपर दिए हुए लिंक पे आप अपने आंसर्स को अपलोड नहीं कर पाते हैं, क्वेश्चंस यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और आंसर अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो आप ये तीसरे वाले लिंक पे अपने आंसर्स जो स्कैन आपने PDF बनाए हैं उनको यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं।
फ्रेंड्स ओपन बुक एग्ज़ाम कैसे होने हैं, क्या होना है, इसकी डिटेल मैंने अपनी दूसरी वीडियो में बताई है। किस तरीके से आप अपने जो पेजेस हैं, आंसर सीट हैं, उनको कैसे स्कैन करोगे वो भी मैंने बताया है। उसके ऊपर मैंने दूसरी वीडियो बनाई है जहाँ पर, क्योंकि आपका जो कैम स्कैनर है वो बैन हो चुका है, तो दूसरा ऐप मैंने बताया किस तरीके से आप उसको स्कैन कर सकते हैं, कैसे अपने आंसर्स आपको अपलोड करने हैं, इसका पूरा पूरा मैंने वहाँ पर करके बताया है सही तरीके से। तो आप प्लीज़ उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें, वो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ फ्रेंड, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ, तो इसकी वजह से मेरी कोई भी वीडियो आती है तो उन तक नोटिफिकेशन नहीं जा पाती, लेट वीडियो मिल पाती है। तो फ्रेंड्स चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कुछ और अपडेट आता है तो कल देखते हैं, कल वीडियो बनाते हैं दिन में। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।